हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू आवर चैनल सरल गणित। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 दैट इज डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 5.1 को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। आपको ये बताना है कि क्वेश्चन के अंदर ये जो चार सिचुएशन दे रखी है हमें, सिचुएशन ए बी सी डी, इन चारों सिचुएशन के अंदर किस सिचुएशन के अंदर जो है हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। अभी तक क्या था, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर क्लास 6 और 7 के अंदर आपने बार ग्राफ बनाना सीखा था। अब जो है आप क्लास 8 के अंदर हिस्टोग्राम भी बनाना सीखेंगे कि एक हिस्टोग्राम क्या होता है और वो कैसे बनता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बार ग्राफ किस सिचुएशन में बनाते हैं और हिस्टोग्राम किस सिचुएशन में बनाते हैं। सो गाइज, अगर हम बार ग्राफ की बात करें तो हमें पता है कि जब हमें ग्रुप्स को कंपेयर करना होता है तो उस कंपैरिजन के लिए हम क्या बनाते हैं, बार ग्राफ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कंपेयर करना है कि एक स्कूल के अंदर डिफरेंट क्लासेस के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, बार ग्राफ बनाएंगे और उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। हम कंपेयर कर सकते हैं कि क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स है, 7 में कितने हैं, 8 में कितने, 9 में कितने और 10 में कितने। तो इसको हम जो है बार ग्राफ से शो कर सकते हैं, कंपेरिजन शो कर सकते कि किस में ज्यादा है किस में कम है। ये चीज क्लियर है। लेकिन अगर हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो हिस्टोग्राम कब बनता है, उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हिस्टोग्राम होता क्या है। तो हिस्टोग्राम क्या है, वी नो दैट हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन अ मैनर ऑफ क्लास इंटरवल। तो इस डेफिनेशन के अंदर क्या बताया गया है कि हिस्टोग्राम क्या है, एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि तब बनता है जब जो डेटा है हमारा क्लास इंटरवल में हो, मतलब जो डेटा है वो एक कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हो। तो उस सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। ये चीज क्लियर है। कंटिन्यूअस सीरीज से मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि एक हॉस्पिटल के अंदर बिटवीन 6 AM टू 7 AM कितने पेशेंट्स आए एंड 7 AM टू 8 AM कितने आए, फिर 8 AM से 9 AM कितने आए, 9 AM से 10 AM कितने आए। तो ये क्या है, टाइम जो है यहाँ पे कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो इस कंटिन्यूटी के अंदर कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आए एवरी आवर, तो उसको हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लास इंटरवल से। और उस सिचुएशन के लिए हम क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम। ये चीज क्लियर है। तो जब क्लास इंटरवल दे रखा हो, मतलब जब डेटा जो है कंटिन्यूएशन के अंदर हो, तो हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। और जब डेटा को हमें कंपेयर करना हो एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक बार ग्राफ। क्लियर है ये दोनों चीज। तो स्टार्ट करते हैं, हम रीड करते हैं सिचुएशंस को कि किस सिचुएशन में हम बार ग्राफ बनाएंगे और किस सिचुएशन में हम हिस्टोग्राम को बनाएंगे। तो गाइस, ए पार्ट आता है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन्स बैग। तो इस सिचुएशन के अंदर कह रहा है कि एक पोस्टमैन के बैग के अंदर जितने भी लेटर्स हैं डिफरेंट एरियाज के, उन लेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या बनाओगे, हिस्टोग्राम या बार ग्राफ। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक एरिया की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एरिया एक्स के अलग लेटर्स होंगे, एरिया वाई के अलग लेटर्स होंगे, एरिया जेड के अलग लेटर्स होंगे, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा को जो है एक कंटिन्यूटी में डिवाइड नहीं कर सकते। दैट इज वाई सिचुएशन ए के लिए जो है हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। ये चीज क्लियर है। अब अगर हम आते हैं बी पार्ट में, तो बी पार्ट क्या है, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। एक एथलेटिक्स मीट के अंदर डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स की कितनी हाइट है, आपको ये डेटा गिवन हो तो आप क्या बनाएंगे। तो अगर जहाँ तक हाइट की बात है, हम यहाँ पे हिस्टोग्राम बना सकते हैं। हम यहाँ पे डेटा को जो है वो कंटिन्यूएशन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर तक के इतने कॉम्पिटिटर्स है, एंड 120 से लेके 130 तक के इतने कॉम्पिटिटर्स है, 130 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर तक इतने कॉम्पिटिटर्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या है, जो हाइट है कॉम्पिटिटर्स की, उसको एक क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हम सिचुएशन बी के लिए हिस्टोग्राम बना सकते हैं। क्लियर है। अब अगर हम बात करें सिचुएशन सी की, तो सिचुएशन सी में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। अब 5 कंपनीज जो है कितनी नंबर ऑफ कैसेट्स बना रही है, हमें ये डेटा गिवन हो तो क्या हम उसके लिए हिस्टोग्राम बनाएंगे। पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं डिफरेंट कंपनीज की तो हमारे पास डेटा क्या होगा? हमारे पास ये तो डेटा नहीं होगा ना कि कंपनी ए से लेके कंपनी बी तक ने इतनी बनाई, बी से लेके सी तक, नहीं, क्योंकि जो कंपनीज है वो एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, वो एक अलग अलग कंपनीज है। तो उन अलग अलग कंपनीज का जो भी कैसेट्स होगा वो भी हम अलग ही काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि कंपनी ए ने 100 कैसेट्स बनाई, बी ने 200 बनाई, सी ने 150 बनाई। ये चीज क्लियर है? तो इस सिचुएशन में भी हम जो है डेटा को क्लास इंटरवल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए सी सिचुएशन के अंदर भी हम हिस्टोग्राम को नहीं बना सकते हैं। अभी तक हमने किस सिचुएशन में हिस्टोग्राम नहीं बनाया? सिचुएशन ए एंड सी में। क्लियर है? अब हम रीड करते हैं सिचुएशन डी को। सिचुएशन डी में लिखा है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट अ स्टेशन। एक स्टेशन पर 7 AM से 7 PM तक कितने पैसेंजर्स ने ट्रेन को बोर्ड किया, आपको ये डेटा गिवन हो तो आप क्या बनाएंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डेटा को क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं? हिस्टोग्राम। जैसे कि अभी हमने पीछे हॉस्पिटल वाला एग्जाम्पल लिया था कि कितने पेशेंट्स आ रहे हैं बिटवीन 6 AM टू 7 AM, 7 टू 8 AM, राइट? तो पार्ट डी जो है वो उस एग्जाम्पल की जैसे ही क्लियर है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या बना सकते हैं? हिस्टोग्राम। तो हमने क्या देखा कि हम सिचुएशन बी और डी में हिस्टोग्राम बना सकते हैं और सिचुएशन ए और सी में हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। क्लियर है? तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये बताएंगे कि वी नो दैट हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन अ मैनर ऑफ क्लास इंटरवल। एक हिस्टोग्राम जो है एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उन डेटा का जिसके अंदर जो है हम डेटा को क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? फिर आगे हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर इन ऑप्शंस बी एंड डी हिस्टोग्राम्स कैन बी यूज्ड टू शो द डेटा बिकॉज इन दीज ऑप्शंस डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स, है ना? अभी हमने डिस्कस किया था कि बी और डी में हम डेटा को जो है क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए जो है हम इन सिचुएशन के अंदर हिस्टोग्राम बना सकते हैं। बट इन ऑप्शंस ए एंड सी हिस्टोग्राम कैन नॉट बी यूज्ड टू शो द डेटा because in these options data cannot be divided into class intervals। हमने अभी डिस्कस किया था कि हम A और C के अंदर जो डेटा है उसको क्लास इंटरवल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए A और C सिचुएशन के लिए हम हिस्टोग्राम को नहीं बना सकते। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज। जो शॉपर्स एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आए उनको मार्क कर लिया गया। कैसे? मेन के लिए M मार्क किया गया, वुमेन के लिए W, बॉय के लिए B और गर्ल के लिए G को मार्क किया गया। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। अब आपको उन शॉपर्स का डेटा गिवन है जो मॉर्निंग के पहले 1 घंटे के अंदर आए थे। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? क्वेश्चन में लिखा है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स एंड ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। आपको जो है इस डेटा को यूज करके एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है यूजिंग टेलीमार्क्स, और उस टेबल के अंदर जितना भी डेटा है आपको उसको रिप्रेजेंट करना है एक बार ग्राफ बनाकर। क्लियर है क्वेश्चन? तो टेलीमार्क्स आप लोगों को पता भी होंगे, आप लोगों ने 7th में भी सीखा होगा। अब हम इस क्वेश्चन से इसको दोबारा एक बार करते हैं। सो टेलीमार्क्स में क्या होता है फ्रेंड्स, हमें क्या करना है? सबसे पहले एक टेबल बनाना है और टेबल के फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे? शॉपर। और यहाँ पे शॉपर्स में कौन कौन है? मेन, वुमेन, बॉय और गर्ल। तो हम क्या करेंगे? हमारे टेबल के फर्स्ट कॉलम में हम सबसे ऊपर शॉपर लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा? मेन, नेक्स्ट वुमेन, बॉय और गर्ल। तो मेन को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? M से, वुमेन को W से, बॉय को B से और गर्ल को G से। ये चीज क्लियर है? और सेकेंड कॉलम के अंदर हम क्या बनाएंगे? टेलीमार्क्स। तो सेकेंड कॉलम की हमने हेडिंग क्या दी? टेलीमार्क्स। नेक्स्ट हमारा थर्ड कॉलम क्या होगा? नंबर ऑफ शॉपर्स। यहाँ पे जितने भी शॉपर्स आएंगे उनको हम काउंट करके जो है थर्ड कॉलम के अंदर लिखेंगे। क्लियर है टेबल? अब जो है हम टेलीमार्क्स बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे जो भी शॉपर आता जाएगा, जैसे फर्स्ट वुमेन आ रहा है तो हम उसके आगे टेलीमार्क मार्क करते जाएंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं टेलीमार्क्स को बनाना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा क्या आया? वुमेन। तो वुमेन के लिए हम क्या करेंगे? वुमेन के आगे टेलीमार्क मार्क करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट फिर क्या आता है हमारा, अगेन वुमेन, तो वुमेन के आगे हम फिर से मार्क करेंगे। फिर थर्ड क्या आ रहा है हमारा, वुमेन। नेक्स्ट गर्ल, अब हम गर्ल के आगे लगाएंगे। नेक्स्ट बॉय, देन वुमेन, अगेन वुमेन। अब वुमेन जो है यहाँ पर अब फिफ्थ टाइम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वुमेन यहाँ पे ऑलरेडी 4 हो चुका है मार्क, अब फिफ्थ टाइम आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, जिससे क्या होता है कि हम टेली मार्क्स के अंदर सभी मार्क्स को जो है हम 5-5 के बंडल्स के अंदर बनाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे वुमेन अब जो है फिफ्थ टाइम आ रहा है, इसलिए अब हम इस बंडल को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, जिससे पता चलता है कि वुमेन जो है वो कितनी बार आ चुका है, 5 टाइम्स आ चुका है। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा आता है मेन, तो मेन के आगे हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट गर्ल, अगेन गर्ल, देन मेन, फिर से मेन। नेक्स्ट वुमेन, 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 वुमेन। वुमेन कितने बार आ गया, 4 टाइम्स। अब वुमेन के बाद नेक्स्ट क्या है, गर्ल। नेक्स्ट बॉय, फिर क्या आया, मेन, उसके बाद वुमेन। वुमेन अगेन फिफ्थ टाइम हो गया तो हमने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट बॉय, नेक्स्ट गर्ल। गर्ल जो है यहाँ पे अब फिफ्थ टाइम आ रहा है तो हम इसको भी क्या कर देंगे, क्रॉस। नेक्स्ट गर्ल के बाद फिर से एक और बार गर्ल, फिर क्या आया, मेन। नेक्स्ट वुमेन, वुमेन, मेन, मेन, वुमेन, वुमेन। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। क्लियर है। आगे करते हैं। नेक्स्ट आया फिर से वुमेन, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि अगेन ये फिफ्थ टाइम आ रहा है, हम इसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट मेन, वुमेन, बॉय, वुमेन, गर्ल, मेन, वुमेन, वुमेन, वुमेन एंड वुमेन। समझ आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट इज गर्ल, वुमेन, मेन, मेन, वुमेन, वुमेन, मेन, वुमेन, गर्ल, वुमेन, मेन, गर्ल, वुमेन, मेन। मेन फिफ्थ टाइम है, क्रॉस। मेन, बॉय फिफ्थ टाइम, क्रॉस। गर्ल, गर्ल एंड वुमेन। क्लियर है। तो हमने ये सभी डेटा की हेल्प से जो है टेली मार्क्स को बना लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 by 1 काउंट करेंगे और यहाँ पर उसका टोटल नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें मेन कितने टाइम्स आ रहा है, तो हमें यहाँ पे मेन में 5 के 3 कंप्लीट बंडल्स दिख रहे हैं, तो ये टोटल कितना हो गया, मतलब 15। क्लियर है। 5 + 5 + 5 टोटल कितना आ गया है, ये 15, तो हमने यहाँ 15 लिखा। नेक्स्ट वुमेन में टोटल कितनी वुमेन्स आई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीट बंडल्स को काउंट करेंगे। तो टोटल कंप्लीट बंडल्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 कंप्लीट बंडल, यानी कि 5 × 5 25। 25 के आगे अगर हम देखें तो 3 मार्क्स और है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 + 3 = 28। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं बॉय, कितने टाइम्स है, तो बॉय में तो सिर्फ 1 ही कंप्लीट बंडल है, यानी कि बॉय जो है वो 5 टाइम्स है। और गर्ल्स कितनी टाइम है, गर्ल्स में 2 कंप्लीट बंडल, यानी कि 10 एंड 10 + 2 = 12। क्लियर है। तो हमने क्या किया, टेली मार्क्स बना के इन सभी शॉपर का जो है टोटल काउंट थर्ड कॉलम में लिखा। अब हमें क्या करना है, इन सभी शॉपर्स को जो है ऐड करना है कि टोटल कितने शॉपर्स हैं। तो अगर हम ऐड करेंगे 15 + 28 + 5 + 12, तो हमें टोटल नंबर ऑफ शॉपर्स मिलेगा, दैट इज 60। क्लियर है। यहाँ तक आई होप आपको टेली मार्क्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता। क्वेश्चन में कहा था मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स, जो हम बना चुके हैं, एंड ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। अब इस डेटा को जो है शो करने के लिए हमें क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। सो अब हम क्या करेंगे, इस टेबल की हेल्प से बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास जब भी हम एक ग्राफ बनाते हैं, 2 एक्सिस होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। ये क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है उस पर हम क्या लेंगे, शॉपर, और हमारा ये जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज वाई एक्सिस, हम इस पे क्या लेंगे, नंबर ऑफ शॉपर्स। ये चीज क्लियर है। तो अगर हम हमारी टेबल के अंदर देखें, सबसे पहले क्या आता है, मेन, देन वुमेन, फिर बॉय और गर्ल। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मैन, नेक्स्ट वुमेन, बॉय एंड गर्ल। क्लियर है। और अगर हम वर्टिकल वाई एक्सिस पर देखें तो हमें यहाँ पे क्या लिखने हैं, नंबर ऑफ शॉपर्स। अभी इस नंबर ऑफ शॉपर्स में हम स्केल इस तरह से लेंगे कि हमारा ये जो डेटा है पूरा नंबर ऑफ शॉपर्स का वो इसके अंदर लाई करें। क्लियर है। तो अगर हम ध्यान से देखें हमारा जो डेटा है वो अराउंड 15, 28, 5, 12 के आसपास है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे नंबर्स क्या लेंगे, हम यहाँ पे नंबर्स 10, 20, 30 भी ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, क्योंकि ये वो नियरेस्ट स्केल है जिसके अंदर हमें ये सभी नंबर्स मिलेंगे। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, मैन, और मैन कितने हैं टोटल्स 15। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक कॉलम बनाया कहाँ तक के लेवल का, 15 तक का, क्योंकि जो मेन है वो टोटल कितने हैं 15। क्लियर है। नेक्स्ट वुमेन कितना है 28, और अगर अब हम ध्यान से देखें तो 25 और 30 के बीच में 28 लाई करेगा। अब ये 25 और 30 के बीच में ये जो ग्राफ के अंदर टोटल स्मॉल लाइंस है वो कितनी होंगी, 10 लाइंस होंगी। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 25 के बाद जो नेक्स्ट नंबर 26 आएगा वो 2 लाइंस का होगा, 26 के बाद जो 28 आएगा वो भी कितनी लाइंस को इंक्लूड कर रहा होगा अपने अंदर, 2 लाइंस को इंक्लूड कर रहा होगा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, जो 28 है वो इन दोनों नंबर्स के बीच जो ये मिडल लाइन है उससे 1 लाइन ऊपर होगा। क्लियर है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, वुमेन का एक कॉलम बनाया और वुमेन टोटल कितनी है 28, तो हमने यहाँ पे 28 मार्क कर दिया। आपको ये ग्राफ के अंदर भी क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, बॉय, और टोटल बॉयज कितने हैं 5, तो यहाँ पे हमने एक कॉलम बनाया और किस लेवल तक का 5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 5। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो है गर्ल्स, और गर्ल्स टोटल कितनी है 12। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा आता है 10, और 10 से अगर हम 4 लाइंस ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 12। तो यहाँ पे हमने गर्ल्स का कॉलम बनाया और ये कितना है 12। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन सभी शॉपर्स का कॉलम बनाने के बाद ऊपर उनका काउंट भी जो है हमने लिख दिया, जिससे कि क्लियरली शो हो हमारे ग्राफ के अंदर कि कितने नंबर ऑफ शॉपर्स जो है आए थे। क्लियर है। ग्राफ के अंदर बहुत चीजें होती हैं लेबल करने के लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत से बच्चे होते हैं जो वाई एक्सिस नहीं लिखते, एक्स एक्सिस नहीं लिखते, तो ये लिखना भी जरूरी है। और ये जो हमारा एक्स एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको भी लिखना जरूरी है। यहाँ हमारा एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, शॉपर, और वाई एक्सिस नंबर ऑफ शॉपर्स। क्लियर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारा ये जो वाई एक्सिस पर हमने स्केल लिया है वो कितने गैप पर है, हमें इसको भी अपने ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है। तो हम लिखेंगे एट वाई एक्सिस 1 यूनिट लेंथ, यानी कि ये जो हमने एक एक बॉक्स का गैप लिया है ये 1 यूनिट लेंथ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 शॉपर्स। 5 शॉपर्स क्यों, क्योंकि ये जो गैप है वो 5 का चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि एक बॉक्स जो है ये ग्राफ का ये 5 शॉपर्स के इक्वल है। ग्राफ क्लियर है, अच्छे से समझ आया। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है। एक क्लास इंटरवल्स के अंदर एक एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इंक्लूसिव सीरीज, तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, व्हेन द लोअर एंड द अपर क्लास लिमिट इज इंक्लूडेड देन इट इज एन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। मतलब वो आपको ये बता रहा है कि जब भी किसी भी सीरीज के अंदर लोअर लिमिट कौन सी लिमिट होती है, पहली वाली, और अपर लिमिट कौन सी होती है, दूसरी वाली। क्लियर है, जो सबसे बड़ी होती है। तो इंक्लूसिव सीरीज आपको ये बताता है कि जब भी आपको सीरीज इंक्लूसिव दे रखी है तो उसके अंदर जो लोअर लिमिट होती है और जो अपर लिमिट होती है दोनों लिमिट्स को इंक्लूड किया जाता है टेलीमार्क्स के अंदर। मतलब अगर 110 और 200 के बीच में कोई भी नंबर आता है तो हम उसको इस वाली रो के अंदर लिखेंगे, लेकिन अगर 110 आया और 200 आया तो उसको भी हम इसी रो के अंदर मार्क करेंगे। ये बात हमें बताती है इंक्लूसिव सीरीज। और इंक्लूसिव सीरीज की पहचान क्या होती है, अगर हम फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को देखें तो वो क्या है 200, और नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट को देखें तो वो क्या है 210। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो होती है इनकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर हम फर्स्ट क्लास इंटरवल सर्कल की लोअर लिमिट को देखें तो वो क्या है 110 और उसकी जो अपर लिमिट है वो क्या है 200। और नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो क्या है 210 और अपर लिमिट क्या है 300। इन शॉर्ट पहले वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट जो है वो डिफरेंट होती है, वो सेम नहीं होती। ये पहचान किसकी है? इंक्लूसिव सीरीज की। और इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या है कि 110 से 200 तक का जो भी नंबर आएगा वो इस रो में मार्क करेंगे। अगर 110 आया तो वो भी इसी में आएगा, 200 आया तो वो भी इसी में आएगा। सिमिलरली 210 से 300 की सीरीज़ में जो भी नंबर आएगा वो इस रो में लिखा जाएगा। और अगर 210 आया जो कि इसकी लोअर लिमिट है या फिर 300 आया जो कि इसकी अपर लिमिट है वो भी हम इसी रो के अंदर मार्क करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। हमें नीचे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इन नंबर्स को हमें क्या करना है इस टेबल के अंदर मार्क करना है। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 110 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ आएगा? फर्स्ट रो के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्या है 140 कहाँ आएगा? वो भी फर्स्ट रो के अंदर आएगा क्योंकि यहाँ पर 110 से 200 तक के नंबर को मार्क करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है हमारा 280 और 280 कहाँ आएगा? 280 बिटवीन 210 और 300 के बीच में आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है 340 जो कि हमारी थर्ड रो के अंदर आएगा। फिर हमारा आता है 300 कहाँ आएगा? सेकंड रो में, क्योंकि 300 जो है वो सेकंड रो की अपर लिमिट है। क्लियर है? फिर आता है हमारा 170 और 170 जो है हमारा फर्स्ट रो की क्लास इंटरवल के बीच का नंबर है। नेक्स्ट हमारा क्या है 250 और 250 हमारा कहाँ आएगा? सेकंड रो के अंदर। क्लियर है? तो हमने यहाँ मार्क करा। फिर हमारा है 400 हमारा कहाँ आएगा? थर्ड रो में। एंड नेक्स्ट इज 370 भी हमारा कहाँ आएगा? थर्ड रो में। और 200 हमारा कहाँ आएगा? फर्स्ट रो में। क्लियर है ये? तो इंक्लूसिव सीरीज क्या कहती है? इंक्लूसिव सीरीज हमें बताती है कि क्लास इंटरवल्स के जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है उन दोनों लिमिट्स को उन्हीं के रो के अंदर इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है इंक्लूसिव सीरीज? अब हम बढ़ते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज की तरफ। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हमें क्या बताता है? व्हेन द लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड बट द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड देन इट इज एन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। मतलब वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि एक्सक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल वो होता है जिसके अंदर लोअर लिमिट को तो इंक्लूड किया जाता है बट अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है। मतलब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा क्लास इंटरवल क्या है 100 से 200। तो इसका मतलब क्या है कि 100 से 200 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उसको हम इस रो के अंदर मार्क करेंगे। और इसकी जो लोअर लिमिट है दैट इज़ 100, अगर वो नंबर आता है तो वो भी इसी रो के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जो इसकी अपर लिमिट है दैट इज़ 200, वो अगर डेटा के अंदर आया तो उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। ये चीज़ क्लियर है? 200 आएगा तो वो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। वो कहाँ इंक्लूड होगा? नेक्स्ट रो के अंदर, दैट इज सेकेंड रो के अंदर। और एक्सक्लूसिव सीरीज की पहचान क्या होती है? पहले वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट सेकंड वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट दोनों क्या होती है? सेम होती है। क्लियर है? तो ये अगर आपको देखने को मिलता है कि फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और सेकंड वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या है? वो एक एक्सक्लूसिव सीरीज है। और एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर लोअर लिमिट को तो इंक्लूड किया जाता है लेकिन अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब अगर 200 आया तो उसको हम फर्स्ट रो में मार्क नहीं करेंगे, हम उसको कहाँ मार्क करेंगे? सेकंड रो के अंदर। और अगर सेकंड रो के अंदर 300 आया तो 300 सेकंड रो में इंक्लूड नहीं होगा। वो कहाँ इंक्लूड होगा? नेक्स्ट रो के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट रो में जो 300 है वो क्या बन जाती है? लोअर लिमिट। और लोअर लिमिट को एक्सक्लूसिव सीरीज क्या करता है? इंक्लूड करता है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। डेटा के अंदर ये जो नंबर्स दे रखे हैं इसको टेबल के अंदर फिल करना। सो फर्स्ट हमारा नंबर क्या है 100 कहाँ आएगा? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें 100 जो है वो फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है, इसलिए 100 को हम फर्स्ट रो के अंदर मार्क करेंगे। राइट? नेक्स्ट हमारा क्या है 150 फर्स्ट रो के अंदर 100 और 200 के बीच में आने वाला नंबर है तो हम इसको भी कहाँ मार्क करेंगे? फर्स्ट रो के अंदर। नेक्स्ट हमारा है 330 जो है वो थर्ड रो का नंबर है, वो थर्ड रो में आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है 200। अब 200 कहाँ आएगा? फर्स्ट में या सेकंड में? 200 फर्स्ट में नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट का जो है वो 200 वो क्या है? अपर लिमिट। और एक्सक्लूसिव सीरीज़ अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करती। और अगर हम सेकंड क्लास इंटरवल में देखें तो सेकंड क्लास इंटरवल के अंदर 200 क्या है, लोअर लिमिट, और एक्सक्लूसिव सीरीज लोअर लिमिट को इंक्लूड करती है। इसका मतलब ये जो 200 है वो ऊपर नहीं, वो नीचे इंक्लूड होगा। क्लियर है? 280 कहाँ आएगा? सेकंड रो। 390 कहाँ जाएगा? थर्ड रो। 300 कहाँ जाएगा? सेकंड या थर्ड में जाएगा, क्योंकि वो सेकंड के अंदर अपर लिमिट है और थर्ड के अंदर वो क्या है, लोअर लिमिट। क्लियर है? 370 कहाँ आएगा? थर्ड रो। 250 कहाँ जाएगा? सेकंड रो। और 400 कहाँ जाएगा? भाई 400 तो यहाँ पर कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम थर्ड रो देखें तो थर्ड रो में 400 क्या है, एक अपर लिमिट, और अपर लिमिट जो है एक्सक्लूसिव सीरीज इंक्लूड नहीं करता। अगर हमें 400 मार्क करना है तो हमें यहाँ पे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें हम लिखेंगे 400 तो 500 और उसके अंदर हम 400 को इंक्लूड करेंगे। तो ये चीज समझ आया आपको, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर क्या डिफरेंस है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। आपको एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे 30 वर्कर्स का वीकली वेज का डेटा गिवन है। अब आपको क्या करना है, यूजिंग टेलीमार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एज 800 टू 810, 810 टू 820 एंड सो ऑन। आपको टेलीमार्क्स बनाना है इन डेटास को यूज करके, लेकिन कैसे, क्लास इंटरवल्स के अंदर। और क्लास इंटरवल आपको कैसे लेने हैं, 800 से 810, 810 से 820। मतलब अगर हम 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840 इस तरह से ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है, ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज है, क्योंकि एक्सक्लूसिव सीरीज में ही क्या होता है, पहले वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट दोनों क्या होती है, सेम होती है। ये चीज क्लियर है? तो हमें यहाँ पे ये तो पता लग गया कि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और क्लास इंटरवल हमें कैसे लेना है, एक्सक्लूसिव। बट क्वेश्चन ने कहा कि 800 से 810, 810 से 820। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कहाँ तक की लिमिट को सेट करें, मतलब कहाँ तक जो है हम क्लास इंटरवल लिखे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस डेटा के अंदर ढूंढना है आपने सबसे बड़ा नंबर। आपको ढूंढना है कि इस डेटा के अंदर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। ग्रेटेस्ट नंबर अगर हम इस डेटा के अंदर देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 898। 898 का मतलब क्या है कि जो हमारा डेटा है वो कहाँ तक होना चाहिए, 900 तक। ये चीज क्लियर है? तो इसका मतलब जब हम क्लास इंटरवल लिखेंगे 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, तो हम कहाँ तक लिखेंगे, लास्ट 900 तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब हम टेलीमार्क्स को बनाना। हमें ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपर लिमिट को हमें कहाँ ऐड करना होता है, नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल में। ओके, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम मार्क करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है 830। 830 को हम कहाँ इंक्लूड करेंगे, क्या थर्ड में करेंगे? नो, कहाँ करेंगे, हम फोर्थ वाले रो के अंदर करेंगे। क्लियर है? फिर आता है हमारा 835। 835 हमारा कहाँ आएगा, अगेन इस रो में आएगा। फिर आता है हमारा 890। 890 को हम क्या इस रो में मार्क करेंगे? नो, कहाँ मार्क करेंगे, नेक्स्ट वाले के अंदर। क्लियर है? फिर हमारा क्या है 810। क्या 810 फर्स्ट में आएगा या सेकंड में? 810 सेकंड में आएगा, क्योंकि 810 सेकंड वाले की लोअर लिमिट है। फिर आता है हमारा 835। 835 कहाँ आएगा, बिटवीन 832, 840। क्लियर है? नेक्स्ट इज 836। 836 भी कहाँ आएगा, बिटवीन 832, 840। नेक्स्ट 869, 869 कहाँ आएगा, बिटवीन 860 टू 870। नेक्स्ट इज 845, 845 कहाँ आएगा, बिटवीन 840 टू 850। क्लियर है? उसके बाद हमारा है 898, 898 कहाँ आएगा, बिटवीन 890 टू 900। नेक्स्ट इज 890, 890 कहाँ आएगा, सेकंड लास्ट या एकदम लास्ट में? लास्ट में। क्लियर है? क्योंकि 890 जो है सबसे लास्ट वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है। नेक्स्ट इज 820 और 820 कहाँ आएगा, थर्ड रो में। फिर आता है 860। 860 कहाँ आएगा, इस रो में या नीचे? नीचे वाली रो में आएगा, क्योंकि वो नीचे वाली रो का लोअर लिमिट है। फिर आता है हमारा 832, जो कि बिटवीन 830 एंड 840 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 मार्क पहले से ही हो चुके हैं, तो इसलिए फिफ्थ 845 के लिए हम क्या करेंगे, बंडल को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? फिर हमारा आता है नेक्स्ट 833 भी कहाँ आएगा, यहीं आएगा। नेक्स्ट इज 855 आएगा बिटवीन 852 860। नेक्स्ट इज 845 कहाँ आएगा बिटवीन 842 850। नेक्स्ट इज 804 कहाँ जाएगा, फर्स्ट रो के अंदर। नेक्स्ट इज 808 भी कहाँ आएगा, फर्स्ट रो के अंदर। नेक्स्ट इज 812 जो कि हमारा सेकेंड रो का नंबर होगा, क्योंकि 812 810 और 820 के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट इज 840 कहाँ आएगा, इस वाली रो में या नेक्स्ट वाले में? नेक्स्ट वाले में, क्योंकि वो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट है। क्लियर है। नेक्स्ट इज 885 किसके बीच में आएगा, बिटवीन 880 एंड 890। ओके। नेक्स्ट इज 835 कहाँ आएगा, इस रो में। अगेन नेक्स्ट क्या है, 835, वो फिर से यहीं आएगा। नेक्स्ट इज 836 भी यहीं लाई करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज 878 जो है वो इस रो के बीच में आने वाला नंबर है। अगला नंबर हमारा है 840 जो है वो इस रो के अंदर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज 868 जो है 860 और 870 के बीच में लाई करेगा। उसके बाद है 890 जो कि हमारा लास्ट रो का नंबर होगा। फिर आता है हमारा 806 जो कि फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल के बीच में आएगा। नेक्स्ट इज 840 जो कि हमारा 840 और 850 वाले रो में आएगा। क्लियर है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है, हमने टैली मार्क्स तो बना लिया, अब हमें काउंट करना है कि बिटवीन 800 टू 810 कितने वर्कर्स हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें 800 टू 810 कितने वर्कर्स हैं, देयर आर 3 वर्कर्स। क्लियर है। बिटवीन 810 टू 820 कितने वर्कर्स हैं, 2 वर्कर्स। 820 से 830 के बीच में आने वाले कितने वर्कर्स हैं, 1 वर्कर। एंड 830 टू 840 कितने वर्कर्स हैं, ये कंप्लीट बंडल है, मींस 5, और 5 + 4 कितना होता है, 9। क्लियर है। नेक्स्ट 840 टू 850 के बीच में आने वाले कितने वर्कर्स हैं, 5 वर्कर्स। 850 टू 860 के बीच में आने वाले कितने वर्कर्स हैं, 1 वर्कर। 860 टू 870 के बीच में आने वाले कितने वर्कर है, 1। नेक्स्ट इज 860 टू 870 के बीच में आने वाले कितने वर्कर्स हैं, देयर आर 3 वर्कर्स। और 870 टू 880 के बीच में कितने हैं, 1। 880 टू 890 के बीच में कितने हैं, 1। और 890 टू 900 के बीच में कितने हैं, 4 वर्कर्स। क्लियर है। अब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स को तो काउंट कर लिया, अब हमें क्या करना है, टोटल वर्कर्स को काउंट करना है। हमें इन सभी नंबर्स को ऐड करना है, और जब हम इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आएगा, दैट इज 30। और ये टोटल जो है वो 30 के इक्वल ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया था कि फैक्ट्री के अंदर टोटल 30 वर्कर्स है। क्लियर है। इसलिए जो हमारा टोटल है वो 30 ही आना चाहिए। 30 से कम आया तो भी क्वेश्चन में गलती की है, 30 से ज्यादा आया तो भी क्वेश्चन में गलती है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो 30 ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है। तो हमने वो इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो इस डेटा को यूज करके टेबल बनाया है, अब इस टेबल को यूज करके आपको हिस्टोग्राम बनाना है। क्लियर है। सो स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर हम लेंगे क्लास इंटरवल्स जो कि क्या है, वेजेस और इन रुपीज, और वाई एक्सिस के अंदर हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा एक्सिस है वो 0 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो क्या है, 3, 2, 1, 9, 5, 1, मतलब 1 से लेके 10 तक के बीच में आने वाले नंबर्स हैं। तो इसलिए वाई एक्सिस पर हम जो स्केल लेंगे वो क्या लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बट अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे डेटा जो है वो कैसा है, 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, मतलब सीधा जो डेटा है वो 800 से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद जितने भी नंबर्स है सब में 10-10 का गैप है। अगर हम ग्राफ के अंदर ध्यान से देखें तो इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जो कि 0, 0 होता है, पहला नंबर क्या बनेगा, 800, यानी कि जो पहला गैप है बिटवीन 0 to 800 वो बहुत बड़ा है। क्लियर है। और उसके बाद जो गैप चलेगा दैट इज 810, 820, 830, वो सब स्मॉल गैप है और इक्वल गैप है 10-10 का। तो हमारे स्केल के ऊपर जो पहला नंबर है 800 वो 0 से बहुत दूर है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के अंदर हमें स्केल को ब्रोक करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमने बिटवीन 0 to 800 के नंबर्स को स्किप किया है और हम नंबर्स को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 800 से। और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं 810, 820, 830, 840 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब हम ड्रॉ करते हैं हिस्टोग्राम को बनाना। आपको पता है कि हिस्टोग्राम के बीच में जो है गैप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो डेटा है वो कॉन्टिन्यूएशन के अंदर चलता है। क्लियर है। तो अगर हम ध्यान से देखें बिटवीन 800 टू 810 कितने वर्कर्स हैं? 3 वर्कर्स हैं। तो हमने 800 से एक लाइन ड्रॉ की, फिर 810 से एक लाइन ड्रॉ की और इसको किस लेवल तक हम लेके गए 3 तक। नेक्स्ट 810 से 820 के बीच में कितने वर्कर्स हैं? 2 वर्कर्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया 810 से 820 के बीच में 2 वर्कर्स है, तो हमने इस ग्रुप के बीच में आने वाले वर्कर का जो कॉलम है वो किस लेवल तक बनाया? लेवल 2 तक। नेक्स्ट 820 से 830 के बीच में कितने हैं? 1। तो हमने यहाँ पे 820 से 830 के बीच में 1 का कॉलम बनाया। फिर 830 टू 840 के बीच में कितना है? 9। हमने यहाँ 830 से 840 तक के बीच का कितने ऊपर तक कॉलम बनाया? 9 तक के लेवल का। क्लियर है। फिर 840 से 850 के बीच में कितना है? 5। तो हमने 840 टू 850 के जो ग्रुप है उसको कहाँ तक बनाया? 5 तक का कॉलम बनाया उसके लिए। नाउ 850 टू 860 कितना है? 1 वर्कर। तो हमने यहाँ पे कितना बनाया? 1। नेक्स्ट इज 860 टू 870 कितने वर्कर्स है? 3 वर्कर्स। तो हमने 860 और 870 का जो कॉलम है वो कहाँ तक बनाया? 3 तक। उसी तरह से 870 टू 880 कितना है? 1। सिमिलरली 880 टू 890 भी कितना है? 1। तो हमने इन दोनों का जो कॉलम है वो 1-1 तक रेज किया। क्लियर है। नेक्स्ट इज 890 टू 900 के बीच में कितने वर्कर्स है? देयर आर 4 वर्कर्स। तो 890 और 900 का ग्रुप कहाँ तक जाएगा? 4 तक। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो कॉलम्स है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, क्योंकि जो डेटा है यहाँ पे वो क्या है? कॉन्टिन्यूएशन के अंदर है। क्लियर है। इसलिए हिस्टोग्राम में कॉलम्स के बीच में गैप नहीं होता। और हमने क्या किया, सभी कॉलम्स के ऊपर मार्क कर दिया कि हर एक कॉलम जो है कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल है, यहाँ तक समझ आया। अब अगर हम बात करते हैं इसकी लेबलिंग की, तो लेबलिंग के अंदर हमने लिखा कि एक्स एक्सिस हमारा क्या शो कर रहा है? क्लास इंटरवल्स, जो कि वेजेस भी है। वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ वर्कर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे स्केल लिखना। स्केल का मतलब है कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कितना कितना गैप लिया। तो अगर हम ध्यान से देखें एट एक्स एक्सिस जो गैप है वो हर नंबर्स के बीच में 10-10 का है, इसलिए हम क्या लिखेंगे एट एक्स एक्सिस 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू ₹10। ₹10 क्यों लिखा? क्योंकि ये जो 800, 810, 820 ये सब क्या है? वेज है। और वेज यानी कि मनी वो किस में होती है? रुपीज में। इसलिए हमने क्या लिखा? ₹10। और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया? नंबर ऑफ वर्कर्स। और नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो 1-1 के गैप में है, तो इसलिए हम लिखेंगे एट वाई एक्सिस 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 1 वर्कर। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आगे क्या लिखा था? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा था इस हिस्टोग्राम को बनाने के बाद अब आपको इन 3 पार्ट्स का जो है आंसर करना है। आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। इस हिस्टोग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो किस ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा वर्कर्स है। तो अगर हम इस हिस्टोग्राम को देखें तो 830 और 840 के बीच में जो ये वर्कर्स है वो टोटल कितने हैं? 9। तो 830 टू 840 के बीच वाले वर्कर्स जो है वो सबसे ज्यादा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में 830 टू 840 ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर। ऐसे कितने वर्कर्स हैं जो 850 और उससे ज्यादा अर्न करते हैं। अगर हम इस हिस्टोग्राम में ध्यान से देखें 850 की लिमिट यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर कोई वर्कर 850 अर्न करेगा तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा और 850 से ज्यादा जो है वो यहाँ मूव करेगा। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि 850 और 850 से ज्यादा अर्न करने वाले जो वर्कर्स है वो यहाँ पर लाई कर रहे हैं। क्लियर है। और अब हम इनको काउंट करते हैं टोटल कितने हैं। 1 + 3 + 1 + 1 + 4। इनको काउंट किया तो हमें कितना पता चला कि 850 और 850 से ज्यादा अर्न करने वाले टोटल 10 वर्कर्स है। क्लियर है। मूव करते हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में उसने पूछा हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। ऐसे कितने वर्कर्स है जो 850 850 से लेस अर्न करते हैं। तो अगर हम इस हिस्टोग्राम में ध्यान से देखें तो 850 और 850 से ज्यादा वाले ये वर्कर्स थे, तो इसका मतलब ये हुआ वो वर्कर्स जो 850 और उससे कम अर्न करते हैं वो सब यहाँ पर है। तो अब हम इनको ऐड करते हैं 5 + 9 + 1 + 2 + 3, इनका ऐड कितना आया 20। तो इसका मतलब 850 से कम अर्न करने वाले टोटल कितने वर्कर्स हैं 20 वर्कर्स है। समझ आया क्वेश्चन, हमें सिर्फ हिस्टोग्राम को देखकर इन क्वेश्चंस को आंसर करना था। अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच्ड टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। आपको इस ग्राफ के अंदर बताया गया है कि हॉलीडेज के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है कितने आवर्स टेलीविजन को देखा करते थे। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ग्राफ को रीड करें तो हमें पता चलता है कि 1 to 2 hours तक कितने बच्चे टेलीविजन देखते थे 4, और ऐसे बच्चे जो 2 to 3 hours टीवी देखते थे वो कितने हैं 8, और 3 to 4 hours टीवी देखने वाले टोटल कितने बच्चे हैं 22, और 4 to 5 hours टीवी वॉच करने वाले टोटल कितने बच्चे हैं 32। मतलब 32 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 4 to 5 hours जो है एक दिन के अंदर टीवी देखते थे। क्लियर है। और 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5 to 6 hours टेलीविजन वॉच करते हैं, और 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 6 to 7 hours टेलीविजन को वॉच करते हैं। तो हमें ग्राफ समझ आया। अब हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। मतलब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितनी आवर्स टीवी वॉच करते थे। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 4 to 5 hours का ये जो ग्रुप है इसमें जो है 32 बच्चे जो है वो टीवी वॉच किया करते थे। मतलब 32 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो 4 to 5 hours जो है वो टीवी देखा करते थे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट के अंदर आंसर में द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर 4 to 5 hours इज 32 लिखना जो है वो मिस हो गया है। आप इसको यहाँ पे लिख लेना कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है टीवी वॉच करते हैं 32 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है। मूव करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 hours। मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 4 घंटे से कम टीवी देखा करते थे। तो 4 hours यहाँ से स्टार्ट होता है, और 4 hours से कम कितना हो सकता है 3, 2 या फिर 1 hour। क्लियर है। और वो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं वो इस एरिया के अंदर आने वाले स्टूडेंट्स है, यानी कि 22 + 8 + 4। इसका मतलब टोटल 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4 hours से कम टीवी देखा करते हैं। क्लियर है। अब हमारा थर्ड पार्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 hours इन वॉचिंग टीवी। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 5 घंटे से ज्यादा जो है अपना टाइम टीवी देखने में निकालते हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं इस एरिया के अंदर फॉल करने वाले, यानी कि 8 + 6, और 8 + 6 कितना होता है 14। तो इसका मतलब 14 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना 5 घंटे से ज्यादा का टाइम जो है सिर्फ टीवी देखने में स्पेंड करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही था। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.1 के हमारे सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी इन क्वेश्चंस में कुछ डाउट है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको इस बुक के किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो, आपको पर्सनली वो डाउट को क्लियर करना है, तो आप हमें इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जो है इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो गाइस, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 5.2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।